देखिए क्वेश्चन दिया गया, द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक वायर ड्रॉइंग 1.2 एम्पियर करंट एट 6 वोल्ट विल बी, इसमें से ऑप्शन हमें बताना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमें निकालना है यहाँ पे, तो क्या क्या दिया गया है, करंट दिया गया है आई इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर और वोल्ट दिया गया है कितना 6 वोल्ट, ठीक है, चलिए 6 वोल्ट दिया गया। फॉर्मूला क्या लगेगा, वी इज इक्वल टू आई आर, ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लगेगा, हम यहाँ से आर निकालेंगे, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी अपॉन में आई, ठीक है। वी क्या है हमारा, वी है हमारा 6 अपॉन में आई कितना है 1.2, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, ये कट जाएगा 5, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस का ये 5 ओम आ गया रेजिस्टेंस हमारा। देखिए क्वेश्चन दिया गया, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक हीटर इज हैविंग पावर ऑफ 1500 वाट, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस पर आवर, ठीक है, एक घंटे में कितना हीट प्रोड्यूस करेगा उसे हमें निकालना है, पावर दिया गया, टाइम दिया गया, तो चलिए निकालते हैं। पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी अपॉन में टाइम, यहाँ से एनर्जी निकाल लेंगे हम, ये फॉर्मूला है, एनर्जी बराबर पावर इंटू में टाइम हो जाएगा। पावर कितना दिया गया, 1500 वॉट इंटू में जो हमारा टाइम है उसको हम सेकेंड में ले लेंगे, 3600 सेकेंड हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1. अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 15 इंटू में 36 इंटू 10 टू द पावर 4, 20 है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.5 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 और ये मल्टीप्लाई आके हो जाएगा 15.4 इंटू 10 टू द पावर 6, ऑप्शन नंबर 3, ये आ गया हमारा आंसर जूल में, ठीक है, थैंक यू।